हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन यूब चैनल स्मार्ट प्रेश में डॉक्टर सत्यन त्रिपाठी दोस्तों आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी पीएच करना चाहते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है ये पी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट की लिस्ट देख लेते हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं है या फिर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है भी या फिर नहीं है जिससे आपको यह भी पता चल सके कि आपके काम का वीडियो है या फिर नहीं है यदि आपके काम का वीडियो नहीं है तो चाहे तो वहीं से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स पहले हम उस सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं और दोस्तों उसके आगे जो है मैं आपको नेम ऑफ डिपार्टमेंट बताते जाता हूं बाकी आप वैकेंसीज में जो है जैसे जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एंड टोटल जो है ये सारी सीट्स दी हुई हैं तो आप देख लें कि आप किस कैटेगरी में जो है और आपके सब्जेक्ट में सीट यहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है ठीक है तो इसको आप देखते जाए दोस्तों जैसा कि फर्स्ट ईयर हम लोग डिपार्टमेंट की बात करेंगे सब्जेक्ट की तो देख सकते हैं जैसा कि बायो एंड मालिकुलर बायोलॉजी दिया है उसके बाद जो है केमिस्ट्री उसके बाद कॉमर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस उसके बाद कंप्यूटर साइंस उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स और दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी सीट है यहाँ पे टोटल ये देखें हम लोग तो और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स उसके बाद एजुकेशन उसके बाद जो है इंग्लिश एंड कंपेरेटिव लिटरेचर उसके बाद एनोमेंटल साइंस उसके बाद जीनोमिक साइंस फिर टेंथ नंबर पे देख सकते हैं जियोलॉजी उसके बाद हिंदी उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस देन कन्नड़ लॉ लिंग्विस्टिक्स मलयालम मैनेजमेंट स्टडीज मैथमेटिक्स फिजिक्स उसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो प्लांट साइंस उसके बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज़ उसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन आप ट्वेंटी थ्री नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पे सोशल वर्क उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो टूरिज्म स्टडीज़ उसके बाद योगा स्टडीज़ उसके बाद जो है जुलॉजी तो दोस्तों इस तरह से जो है टोटल यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स सब्जेक्ट्स हैं और अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो है ये किस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है और दोस्तों ये जो सीट यहाँ पे दी हुई है टेंटेटिव है सीट्स ठीक है तो ये घट या बढ़ सकती है एडमिशन के टाइम इसमें दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ये यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ठीक है और दोस्तों ये नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें डेट जो मेंशन है ये तेरह जनवरी 2023 की डेट जो है मैंशन है जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2022-23 ठीक है 2022 -23, ये टू था टू ये पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो है ये आया हुआ है और दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो है पी प्रोग्राम के लिए एकेडमिक ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए ठीक है और इसमें यदि हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी की तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पी एडमिशन के लिए पी प्रोग्राम के लिए आ, दोस्तों यहाँ पर जैसा कि कैंडिडेट हु हैव कम्पलीटेड ये कैसे करके इसमें दिया है ए यदि बात करें जैसा कि दिया हुआ है टू ईयर या फिर फोर्थ सेमेस्टर मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है आफ्टर थ्री ईयर बैचलर प्रोग्राम ठीक है और कम से कम आपका फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स हैं यदि जो है एग्रीगेट या फिर इक्वेलेंट ग्रेड जो है ठीक है फिर और करके दिया है बी जो देख सकते हैं यहां पे दिया है कि व ईयर और टू सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर अ फोर ईयर बैचलर प्रोग्राम विदिनम ऑफ फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स एग्रीगेट और इक्वेलेंट ग्रेड ठीक है तो यहां पे फिफ्टी फाइव परसेंट की बात की गई है आपकी मास्टर डिग्री में ठीक है उसके बाद और सी यहां फिर दिया हुआ है फोर ईयर बैचलर डिग्री विदिनम ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्वेलेंट ग्रेड ठीक है और डी जो दिया है एम डिग्री भी यदि आपके पास है विथ फिफ्टी मार्क्स और इट्स इक्वल ग्रेड देन आप अप्लाई कर सकते हो अब यहाँ पे बात की है एलिजिबिलिटी टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ठीक है ये इंटरव्यू के लिए जो कॉल किया जाएगा उसके लिए एलिजिबिलिटी की जो बात की है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह दिया है यूनिवर्सिटी शैल एडमिट स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड जे मतलब जो लोग जे आर क्वालिफाई किए हुए हैं अंडर यू और सी एस आई नेट और एनी गवर्नमेंटल एजेंसीज और अ पास इन अ नेशनल लेवल टेस्ट सच एज नेट और गेट और सी डबल ई डी एट्सेट्रा बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू ठीक है तो इन ये जो है इंटरव्यू के बेस पे जो है ये जो कैंडिडेट है इनको एडमिशन दिया जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आगे फिर बात की गई है नोट ये करके दिया है इसको भी आप एक बार देख लें ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट दिए हुए हैं दोस्तों इसमें फोर्थ जो पॉइंट है काफी फोर्थ नंबर पे इसमें नोट में करके जो दिया है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जैसा कि आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स अवेटिंग रिजल्ट्स इन देयर फाइनल ईयर और सेमेस्टर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू कैन also अप्लाई फॉर एडमिशन ठीक है मतलब ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे जो रिजल्ट अवेटिंग uh, है ठीक है अवेटेड है मतलब या अवेटिंग है जैसा देख सकते हो uh, मतलब उनके फाइनल ईयर या सेमेस्टर का 2021-22 ट्वेंटी वन ट्वेंटी का ठीक है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया है और उसमें एक बार एलिजिबिलिटी को अच्छे ढंग से आप पढ़ लेना जब भी आपको अप्लाई करना हो फॉर्म को इसको ठीक है प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो ठीक है इसको भी एक बार अच्छे ढंग से आप पढ़ लेना दोस्तों इसमें जो हमारी अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको मैं आपको बता देता हूँ बाकी आप खुद से जो है इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना ठीक है अभी हम लोग चल के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी देखेंगे कहाँ से जाकर के इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये जो हम लोग सीट की बात देखे थे कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है उसके नीचे क्लियरली है मैंशन है जैसा कि आप देख सकते हो कि द एवा वैकेंसीज आर टेंटेटिव विच में इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ठीक है मतलब एडमिशन के टाइम पे जो है जो सीट दी हुई है ये डिक्रीज या एनक्रीज हो सकती है ये टेंटिटिव मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो मेंशन है इस नोटिफिकेशन में थर्टीन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात की गई है लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन की बात करें तो ये पच्चीस जनवरी दो हज़ार तेईस की बात की गई है और आगे फिर लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि इम इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द प्रेस्क्राइब डेट विल समेरली बी रिजेक्टेड एंड नो फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन फ्रेंड्स जिसके देख सकते हैं अभी हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की वेबसाइट पर है इसकी वेबसाइट जो है सी यू केरला डॉट ए सी डॉट इन जो है इसकी वेबसाइट है दोस्तों इस पर जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आकर के जिस नोटिफिकेशन नो की हम लोग बात कर रहे थे उसको आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक है इसमें दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्विक लिंक्स ये करके दिया है इसमें जो पी एच डी एडमिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री की बात की गई ठीक है तो इस पर क्लिक करके आप जा करके देख सकते हो दोस्तों इस पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन में बात की गई है दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जहाँ पर ये शो कर रहा है ठीक है ये जो है ठीक है ये देख सकते हो और दोस्तों यहाँ पे जो है आप क्लिक करके इसको जो है नोटिफिकेशन को आप देख भी सकते हो नोटिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू पी प्रोग्राम टू थाउजेंड और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें यहाँ पे जैसा कि नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो तो दिया है द पोर्टल फॉर पी एच डी एप्लीकेशन विल भी अवेलेबल सोन यहाँ पे इसके नीचे जो है ये ब्लू कलर से ये आ, शो कर रहा है ठीक है मतलब ये जो पी एप्लीकेशन के लिए जो पोर्टल है वो अभी मतलब जल्द ही खुलेगा जैसा कि अभी दे रहा है ठीक है इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग तो अभी खुला नहीं है ठीक है हाँ तो दोस्तों इसको जो है इस यूनिवर्सिटी वेबसाइट को आप लोग चेक करते रहें इसे अपडेट रहे हैं ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सोने के लिए काफी यूज़फुल और इफॉर्मेटिव रहोगा दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो यूज़फुल इफॉर्मेट लगाओ जो उस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनफॉर्मेशन मिल सके और फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है यदि आपको लगता हो कि यह चैनल आपके लिए यूज़फुल और इफॉर्मेटिव हो सकता है तो चाहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आ, दोस्तों यदि आप पी एच डी एंट्रेंस एग्जाम की प्रपरेशन करो या फिर नेट सेट या सिलेट एग्जाम की प्रिप्रेशन करो तो दोस्तों उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के पेज या फिर चैनल के प्ले लिस्ट जाकर के देख सकते हैं या कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो उन सारे वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर करेंगे जिसके लिए आप उन सारे वीडियो को देख सकेंगे आ, तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताते हैं कि आप खुद से भी जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की वेबसाइट पे जाकर के जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया आप खुद से भी जो है एक बार वेरीफाई कर लें चेक कर लें पढ़ने से मिलने सर्टिफाई होने तभी इस इनफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें कभी भी फ्रेंड्स यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जरूर से आप जो है खुद से भी जो है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या जो भी ऑर्गेनाइजेशन आता है उसकी वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई जरूर से करें ठीक है उसके बाद ही इनफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इतना पेशेंस के साथ आज का वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स